हेलो चिल्ड्रेन टुडे वी विल स्टडी हिस्ट्री एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट टू चैप्टर थर्टीन मॉरियन डेंसिटी इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी स्टडी फर्स्ट रूलर ऑफ मॉरियन डेंसिटी चाणक्य धैन के दैन अशोका अशोका इज़ द लास्ट पावरफुल रूलर्स Now tomorrow we will study administration of Ashoka rulers. Administration, then social condition, economical condition, art and agric agricultures, architectures, etc. Okay. So now we will start. Administration. The Mauryan administration was done under the guidance of Chanakya. The king was head of the state and enjoyed supreme power of military, judiciary, and civil administration. He had a mantri parisad to advise the assist him. However, the king was not born of, follow the advice, the minister of appointment on the basis of merit. He kept ladies as his body, bodyguards, अमित महामंत्र अध्यक्ष पुरोहित सेनापति युवराज वे सम ऑफ द ऑफिशियल इन हीज कोर्ट देर वॉज वेरी एफिशियंट स्पियोनिस सिस्टम ही होल एम्पेयर वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर यूनिट ऑफ एफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन इट मीन्स अशोक के जो टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन था वो सब क्या था चाणक्य के गाइडलाइन के थ्रू ही बेसिस पर ही था चाणक्य एक्चुअली चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे गुरु भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी फॉर्मेट होता था जो भी काम या फिर जो भी उसके अनुसार काम चलता था वो सब क्या था चाणक के जो थे उसके गाइडलाइन में ही सारा काम होता था जो मंत्री थे वो मेरिट के बेस्ड पे अपॉइंट किए जाते थे क्योंकि चानक के जो थे खुद ही एक गुरु थे एक टीचर थे तो उनके अकॉर्डिंग जो मेरिट के हिसाब से ही अपॉइंट किया जाता था किसी को भी उसमें नहीं शामिल किया जाता था द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अंडर नगर अध्यक्ष और नागरिक ही वॉज हेल्प्ड बाई थर्टी मेंबर्स दे वे डिवाइडेड इंटू सिक्स बोर्डर ऑफ फाइव मेंबर्स ईच ईच बोर्ड वॉज असाइंड डिफरेंट ड्यूटीज टू बी फॉर्मेट। जो थे जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था नगर अध्यक्ष जो जितने नागरिक थे नगर अध्यक्ष के अंडर में था विद उसके अंदर थर्टी मेंबर्स थे ठीक है और उसके सबका काम बटा हुआ था और उस जिस काम के लिए जो अपॉइंट हुए थे वो उस काम को देखते थे द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रन बाय द ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ द पीपल कलेक्टेड टैक्स एंड मेंटेन्ड लॉ एंड अंडर देयर द वेज जो विलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो जो था ग्रुप बाय द ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स उसमें अलग ऑफिसर्स थे जो सारा रिकॉर्ड रखते थे कि uh, आदमी uh, जो कि विलेज में जितने भी पीपल है उनके टैक्स कलेक्शन मेंटेनेंस लॉ और विलेज मतलब सारे कुछ का एक रख हिसाब रखने के लिए एक एक मेंबर अपॉइंट थे जिस uh, जो ग्रुप के ऑफिसर्स थे नेक्स्ट सोशल कंडीशन The life of people was peaceful and purposeous in the society. Varna and ashram system of Rigved period, where is practice, cotily outlines the duties of each varna under the under each um, ashrams. Most, most of people married within their own caste and followed their parental trade or professions. पीपिल लिव ड पीसफुल पीसफुली एंड हारमोनीसली विथ ईच अदर एंड ओवे लॉ तो उस टाइम में जो सोशल कंडीशन था वो जो था वर्ण सिस्टम और आश्रम बेस्ड पे सिस्टम पे रिलेटेड था वर्ण सिस्टम इट मीन्स जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा है ना ब्रह्मा क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चार पार्ट में डिवाइडेड थे वर्ण देन आश्रम सिस्टम में क्या था आश्रम के एक और में आता था आपको ब्रह्मचर्य ओके okay? ब्रह्मचर्य फिर था गृहस्थ फिर था वन प्रस्थ फिर था सन्यास ये चार पार्ट में आश्रम भी डिवाइड था ब्रह्मचर्य इट मीन्स जो ब्रह्मचर्य थे जो uh, अनमेरिड थे वो उस पार्ट में आते थे गृहस्थ जो घर परिवार को देख रेख पारिवारिक सब कुछ देखते थे परिवार को लेकर चलते थे देन उसके बाद आता था वनप्रस्थ उसके बाद आता था सन्यासी सन्यास जो लेते थे इस पार्ट में डिवाइडेड थे और ये सारा कुछ जो था ये पूरा सोशल कंडीशन था वहाँ और मोस्ट ऑफ पीपल मैरिड विद इन देयर ओन कास्ट जितने भी उस समय लोग थे वो अपने खुद के कास्ट में ही शादी करते थे देन फॉलो पेरेंटल ट्रेड एंड प्रोफेशन और वे जो है अपने पेरेंट्स का जो चलते आ रहा था पुराने समय से चलते आ रहा था उनके पेरेंट्स का ट्रेड वही ट्रेड फॉलो करते थे मतलब यदि कि कोई किसान है तो उसके बेटे को किसान वाला ही काम करते थे जो बिजनेस करता था वो बिजनेस वाला काम इस तरह से अलग अलग पार्ट जो जिसका जो था वो पेरेंटल वही ट्रेड फॉलो करते थे या प्रोफेशन को फॉलो करते थे देन नेक्स्ट इकोनॉमिकल कंडीशन एग्रीकल्चर वॉज The basis of village economy. Many dams and lakes were constructed to the provide irrigation facilities. Canals were also dug. Darshan Lake, built by Chandragupta Maurya, is a good example of the irrigation system that was the prevalent at that time. The state always, uh, always gave financial help to be cultivation cultivators and traders. Proper attention was paid in the cattle railing and pasture. Forest wild animals, men and natural resources were considered to public properties and protected by the state law. Heavenly punishment was given to those who cut down green tree. तो उस टाइम में जो था इकोनॉमिकल कंडीशन जो था वो विलेज के इकोनॉमिकल बेसिस पर डिपेंड था मतलब जिस विलेज का जैसा इकोनॉमिकल कंडीशन है उस बेसिस पे डिपेंडेंट था बहुत सारे डेम लेक का कंस्ट्रक्शन हो चुका था कैनल्स डग्स सुरदर्शन लेक ये सब कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाए गए थे और सभी को ये जो फॉरेस्ट था वाइल्ड एनिमल में मीन माइंस नेचर सोर्सेस ये सब जो था पब्लिक प्रॉपर्टी के रूप में उस समय डिपेंड था प्रोटेक्ट द स्टेट लॉज ठीक है सारा कुछ जो था वेल ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा था उस टाइम में देन देन उस टाइम जो था हैवी पनिशमेंट वाज गिवन दोज हु कट डाउन ग्रीन ट्री उस टाइम में जो ग्रीन ट्री को पेड़ को जो काटता था उसे मतलब हैवीस पनिशमेंट दिया जाता था प्रोमोशनल ऑफ ट्रेड वॉज इंस्योर्ड बाई गवर्नमेंट ऑफिसियल कॉटन वूल सिल्क एंड जूट प्रोडक्ट वे आर द मेन आइटम ऑफ इंटरनल एंड फॉरिन ट्रेड ये सब जो था मेन ट्रेड का था जो फॉरन ट्रेड जो होता था उसके लिए ये सब डिपेंड था कॉटन वूल सिल्क जूट एक्सेट्रा देन दियर प्रोडक्ट वेयर थ्रोली चेक काशी कलिंगा मदुराई वे आर द मेन सेंटर ऑफ टेक्सटाइल स्पाइस एंड एवरी गुड्स एक्सेट्रा वेर आर मेन आइटम ऑफ फॉर एक्सपोर्ट ये सब जो था ये मेन आइटम था एक्सपोर्ट के लिए और ये सब का चेकिंग जो था प्रोडक्शन का चेकिंग काशी कलिंगा और मदुराई मेन सेंटर था चेकिंग के लिए नेक्स्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर फाइव टाइप ऑफ आर्किटेक्चर मॉनमेंट्स वेयर प्रिवेंट ड्यूरिंग दिस दैट पीरियड दे वेयर पैलेस स्तूप केब्स पीलर्स रॉक एडिट्स ये सब जो था मेन आर्किटेक्चर और आर्ट का मेन प्रोसेस क्योंकि इसी पर जितने भी अशोक uh, के टाइम में जितने भी जो उनका uh, रिलीजियस रिलीजियंस बौधिज़म का जो था सब प्रचार किया गया था सब इसी पे लिखा हुआ था इस, जितना प्राकृत भाषा में फिर ग्रीक अरबिक ये सारे जो लैंग्वेज में थे ये सारे उस रॉक पीलर्स ये सब पे लिखा हुआ था द्लेस ऑफ अशोका वॉज एक्स एक्सक्यूजली ब्यूटिफुल फाहिम और चाइनीज ट्रैवलर वॉज अ एस्टोनाइज टू सी इट्स रिमार्क एंड द प्लेसेज मस्ट है कंस्ट्रक्टेड बाई अ गॉड नाट अ मैन जो फाहीन जो चाइनीज ट्रैवलर था वो यहाँ के जो एटमोस यहाँ का बनावट देख के यहाँ का कंस्ट्रक्शन ये सब देख के वो इतना आश्चर्य में पड़ गया कि ये उसे उसने ये बोला कि ये सब गॉड के द्वारा बनाया गया है इसे कोई आदमी ने नहीं, नहीं बनाया इतना सुंदर था द स्टूप ऑफ साची एंड इट्स ग्रेट वे इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ दैट पीरियड ओके फाइन फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द आर्किटेक्चर कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन पिलर्स विद द साइन सरफेस ओके then animals figures धर्म top capital part of of the stone pillars okay these are the main things lions and the धर्म चक्र हैज़ बीन द एडोप्टिड एज आवर national emblems नेशनल एम्बल्स आप जानते हो हमारे देश का नेशनल एम्बल जो है ये जो पिक्चर में दिया है जो आप सारे जो क्वाइंस है उसमें भी आप देखते हो गए, ये हमारा नेशनल एम्बल्स है ये सब अशोका के द्वारा बनवाए गए थे ठीक है अशोका पिलर कैन ऑल्सो वी सीन इन द फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली ओके इसको हम लोग फिरोज शाह कोटला में देख सकते हैं ये जो है हमारा अशोका पिलर ये हमारा सारनाथ में है आवर नेशनल एम्बल्स सील फॉर द सील ऑफ द फोर लाइन ओके कैन बी सीन एन ऑल ऑफिशियल पेपर्स नोट्स एंड क्वाइंस ऑफ इंडिया ये जितने भी ऑफिशियल पेपर्स नोट और क्वाइन जितने भी हैं सब में आप ये नेशनल एम्बल्स देखोग देखोगे जिसमें ये फोर लॉयन है थ्री आपको दिखता है और एक जो है बैक साइड में रहता है इसलिए हमको दिखता नहीं है लेकिन ये पूरा कितने हैं इसमें फोर लॉयन है इसमें वेल सोका वॉज मेकिंग एवरी एफर्ट द स्प्रेड द मैसेज टू प्लेस पीसीज टू बी नेवर नेबरिंग कंट्रीज द चाइनाज एम्पेयर वे आर द ग्रेट वॉल टू प्रोटेक्ट दियर बाउंड्रीज बाय द फोर्सिंग थाउजेंड ऑफ पीपल टू वर्क द कंस्ट्रक्शन इन द एक्सट्रीम वेदर कंडीशन ठीक है तो ग्रेट वॉल जो बना था इसे बनाने में थाउजेंड ऑफ़ पीपल लग गए थे और इसको एक्सट्रीमली वैदर कंडीशन में भी ये लोग सारा काम किए थे द्लीन द मॉरन एम्पायर दी द्लीन ऑफ द मॉरिन एम्पायर स्टार्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका इन थ्री टू हंड्रेड थर्टी टू बी सी इट द सेट ऑफ अशोकाज मिलिट्री पॉलिसी ऑफ नॉट वनी वॉर वॉज पर मेन रिसोर्स ऑफ द्लीन ऑफ द एम्पायर इट मीन्स ऑलमोस्ट अशोका के डेथ के बाद ये जो मॉरिन एम्पायर है ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था क्योंकि अशोका जो था वो जो कलिंगा वॉर के बाद वो तो ये कर चुका था प्रण कर चुका था कि वो कभी युद्ध नहीं करेगा जिससे क्या है जो आसपास की जो भी कंट्री के दूसरे जो इस पे फोर्स करते थे पर ये लोग तो अपना जो प्रण था कि दोबारा ये युद्ध नहीं करेंगे तो ये युद्ध करते नहीं थे जिससे क्या था इसके ऊपर दूसरे देश भी हावी हो गए थे और ये अपना ये तो युद्ध करते नहीं थे जो कि मेन कारण था मॉरिन पैर का एंड होने का बृहत्नाथ वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मॉडर्न डेंसिटी बृहतनाथ जो था लास्ट रूलर था ही वॉज स्किल्ड बाय द कमांडर इन चीफ प्योस मित्रा संघ इन द वन हंड्रेड एटी फाइव टू सेवन थ्री बी सी होल कैप्चर द थोर जो लास्ट टेम्पेर जो था बृहत्नाथ उसको ही उसके ही कमांडर जो मार्शल कमांडर थे मिलिट्री कमांडर उसने ही उसके गद्दी को छीनने के लिए उसको मार दिया और उसके बाद Empire का एंड हो गया देन द लास्ट रूलर ऑफ द संघ वासुदेव हु वाशुदेवाड कैनवा डेंसिटी इन सेवेंटी टू बी सी इट मीन्स ऑलमोस्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका था उसके बाद दूसरे का रूलर स्टार्ट हुआ नाउ स्टूडेंट दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड इस चैप्टर में कहीं भी कोई कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स से लिख सकते हैं उसका जवाब हम जरूर देंगे और लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू बच्चों